हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी मसाला कॉर्न, जिसके लिए सबसे पहले हमें कॉर्न ले लेना है और इसे अच्छे से छील लेना है। अब हमारे कॉर्न छील करके हो चुके हैं, तो अभी इसे हम बॉईल कर लेंगे। इसके लिए एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें अब थोड़ा सा हम पानी ऐड कर लेंगे ताकि अच्छे से बॉईल हो जाए। अब इसमें हम आधा चम्मच नमक ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हम नींबू का रस ऐड कर देंगे और इसे बॉईल करने के लिए हम गैस पे रख देंगे। देखिए, हमारे कॉर्न अब बॉईल हो चुके हैं, तो अब इसे हम निकाल के साइड में रख लेंगे ठंडा होने के लिए। यहाँ हमारे कॉर्न ठंडे हो चुके हैं, अब इसके लिए हम मसाला तैयार करेंगे। यहाँ मैंने थोड़ा सा दही ले लिया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच काला नमक ऐड कर देंगे, साथ ही हम आधा चम्मच सादा नमक ऐड कर देंगे, आधा चम्मच हम गरम मसाला ऐड कर देंगे, एक चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, आधा चम्मच हम धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, एक चौथाई चम्मच हम हल्दी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हम इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हम नींबू का रस ऐड कर देंगे। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। यह हमारा एक पेस्ट बन करके रेडी हो चुका है। अब इसे हम अपने कॉर्न पर लगा लेंगे एक ब्रश की हेल्प से। आप चाहे तो हाथ से भी लगा सकते हैं अगर आपके पास ब्रश ना हो तो। हमें इसे अच्छे से पूरी साइड लगा लेना है ताकि अच्छे से मैरिनेट हो सके। ऐसे ही हमें दूसरे कॉर्न को भी लगा लेना है। देखिए, यहाँ पर कॉर्न की अच्छी से कोटिंग हो चुकी है पेस्ट से, तो अभी इसे हमें सेक लेना है। हमें कुछ इस तरह से इन्हें सेकना है और इन्हें पलटते रहना है ताकि यह अच्छे से सिक सके। देखिए, अब यह सिक चुके हैं, तो इसके ऊपर हम मेल्टेड बटर लगा लेंगे और इससे फिर से थोड़ी देर सेक लेंगे। देखिए, हमारे कॉर्न सिक करके रेडी हो चुके हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा चाट मसाला लगा देंगे, थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे और साथ ही हम थोड़ा सा नींबू का रस भी इसमें निचोड़ लेंगे। तो लीजिए, हमारे तंदूरी मसाला कॉर्न बनकर के अब रेडी हो चुके हैं। ऐसी ही मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी हिट कर दें। थैंक यू।